नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज देश में एक गजब की स्थिति उत्पन्न हो रही है। सरकार कंफ्यूज है, इधर स्कूल कॉलेज बंद कर दिया गया है, कोचिंग भी बंद करा दिया गया है। आपको मालूम है ऑफलाइन क्लासेज आप लोगों की नहीं हो रही है, लेकिन राजनीतिक रैली पर पाबंदी नहीं है, चुनाव पर पाबंदी नहीं है। तो ये एक गजब की स्थिति है कि कोरोना सिर्फ स्कूल कॉलेज से फैल रहा है, स्टूडेंट के कोचिंग जाने से फैल रहा है, और इतनी भी राजनीतिक रैलियों में हो रही है उससे नहीं फैल रहा है। तो क्या होने वाला है आगे, इसी संबंध में आज एक केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अर्थात जिसको कहते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE बोर्ड की परीक्षाएं जो होने वाली थी 4 मई से 14 जून के बीच, उसको भी स्थगित कर दिया गया है 1 जून तक। 1 जून के बाद समीक्षा की जाएगी कि इसकी परीक्षाएं कब कराया जाए या ना कराया जाए। तो एक गजब की स्थिति उत्पन्न हो गई है, और आगे आप लोगों की जो परीक्षाएं होने वाली है उस पर भी कुछ नहीं कहा जा सकता है कि एग्ज़ाम कंडक्ट होंगी कि नहीं होंगी। एक स्थिति पर सरकार को अच्छी तरह से विचार करना चाहिए। पाबंदी कोरोना को रोकना है तो सभी चीज़ों को लगानी चाहिए। एक चीज़ लगाने से क्या लगता है आपको कि कंट्रोल हो सकता है? राजनीतिक रैली चलती रहेगी, उत्तर प्रदेश में वोटिंग होने, पंचायत चुनाव है, गांव-गांव लोग घूम रहे हैं, गले गले मिल रहे हैं, बंगाल में चुनाव है, इतनी भीड़ हो रही है, असम में चुनाव है, 5 राज्यों में चुनाव है, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव हो रहा है। तो किस स्थिति की ओर सरकार ले जाना चाहती है, कुछ समझ से परे है। तो देखिए, हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में 2020 की स्थिति उत्पन्न होने वाली है कि क्या होने वाली है। सरकार अभी स्पष्ट नहीं कर रही है, अभी तो घोषणा की है कि लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा, लेकिन आपके स्कूल कॉलेज कोचिंग 30 अप्रैल तक बंद कर दिए गए हैं। चुनाव खत्म होने के बाद हो सकता है कि लॉकडाउन भी लगाया जाए, अभी उनको अपनी ज़रूरत है इसलिए नहीं लगाया जा रहा होगा। तो वास्तव में क्या स्थिति उत्पन्न होने वाली है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आप लोगों से एक निवेदन है कि आप अपनी पढ़ाई रेगुलर जारी रखिएगा। आपके लिए तो लॉकडाउन हमेशा है, क्योंकि स्टूडेंट जीवन में जब तक आपको सफलता नहीं मिलती है आपको कितने घंटे बाहर रहना पड़ता है, 2-3 घंटे, बाकी टाइम में आप स्टडी करते हैं, लॉकडाउन की स्थिति में ही रहते हैं। तो आप इस अवसर को उपयोग करिए, बर्बाद ना करिए, समय बहुत मूल्यवान है। आज नहीं तो कल सिचुएशन अच्छे होंगे और परीक्षाएं भी होगी, तभी ऑनलाइन माध्यम से पढ़ने की ज़रूरत है, और हम लोग भी आपको ऑनलाइन माध्यम से जितना संभव हो सकता है उतना अच्छा कंटेंट उपलब्ध करा रहे हैं। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आज से आपको नॉनटेक की क्लासेज भी मिलेगी हमारे चैनल पर। टेक्निकल तो हम लोग चला ही रहे हैं पहले से। यही एक सूचना थी, उम्मीद करते हैं कि जल्द ही हम लोग इस विपदा से बाहर निकलेंगे और पुनः स्थिति समान होगी और दिनचर्या सबकी समान होगी, स्कूल भी खुलेंगे, कोचिंग भी खुलेगी, और आपसे मुलाकात भी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सुबह 7 बजे लाइव क्लास में बने रहिएगा। थैंक यू।